हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एनालॉजी में। दोस्तों, मार्केट में अभी काफ़ी वॉलेटाइल स्थिति हमें देखने को मिल रही है। कभी मार्केट में हमें कंटिन्यू उछाल देखने को मिल रहा है और अचानक कभी मार्केट में हमें एक स्लाइट क्रैश देखने को भी मिल रहा है। लेकिन ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में भी कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यू प्राइस में उछाल बनाए रखे हुए हैं। तो ऐसे ही एक शेयर के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, मैं जिस शेयर के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ वो भी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है। और ये शेयर अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से इसके शेयर प्राइस में हमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। तो दोस्तों, जिस शेयर की बात कर रहा हूँ वो है सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 292.95 रुपीस का ये शेयर आज ट्रेड हो रहा था मार्केट में। और यदि हम देखें यहाँ पर -4.80 रुपीस की यहाँ गिरावट देखने को मिली, -1.61% की हमें यहाँ गिरावट देखने को मिली। यदि देखें हमें यहाँ पर 81,70,236 शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई प्राइस यहाँ 317 रुपीज़ हमें देखने को मिला एज ऑन 25th of June 2020, जबकि 52 वीक लो प्राइस हमें यहाँ पर 151.05 रुपीज़ देखने को मिला एज ऑन 25th March 2020 को। यानी आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने 52 वीक लो प्राइस की डेट मतलब 25th मार्च 2020 के बाद यदि इन्वेस्ट किया होगा इस शेयर में, उन्हें लगभग इस शेयर ने अभी उनका कैपिटल डबल करके दे दिया होगा। यदि हम देखें यहाँ पर तो अभी भी बाइंग क्वांटिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में बिड लगी हुई है, 17,91,076 शेयर्स यहाँ पर बिडिंग में अभी भी लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस शेयर के परसेंटेज ऑफ डिलीवर क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी की तो 44% हमें देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें इस कंपनी का तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,280.20 लाख रुपीज़ का यहाँ पर 31st March 2020 को कंपनी ने नेट प्रॉफिट शो किया था। वहीं अगर हम देखें 30th June 2020 को कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 7,856.80 लाख रुपीज़ हो गया। और यही रीज़न है इस शेयर में हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रहा है और लगभग उससे 2 से 3 गुना का नेट प्रॉफिट में हमें अंतर देखने को मिल रहा है लेटेस्ट क्वार्टर में। और ये बढ़ोतरी की है नेट प्रॉफिट में इस कंपनी ने। तो इस वजह से यदि हम देखें तो इस शेयर के प्राइस में हमें काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें शेयर पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर 80.30% शेयर प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप के पास है, जो कि काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग है। कम होकर ये शेयर होल्डिंग 78.30 हो गई है 30th June 2020 को। पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ 19.70% थी 31st March 2020 को, वहीं 30th June 2020 को 21.70% देखने को मिल रही है। तो बात करें अगर हम यहाँ पर प्लेजिंग ऑफ परसेंटेज की तो आप देख सकते हैं कोई भी शेयर यहाँ प्लेज नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों पैरामीटर्स जो कि हमें देखने मिले हैं, जैसा कि नेट प्रॉफिट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, ये तीनों ही पैरामीटर्स काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। बात करें अदर पैरामीटर्स की तो दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल साइज कंपनी का 14,390 करोड़ रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू यदि देखें तो 24.22 रुपीज़ हमें देखने को मिल रही है, जिसके अगेंस्ट में जो करंट प्राइस चल रहा है 288 रुपीज़ समथिंग चल रहा है। और यदि प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 11.89 हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये शेयर हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में मिल रहा है। स्टॉक की पीई देखें तो आप देखें यहाँ पर 63.59 यहाँ पर स्टॉक पी देख रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 20.59 हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर डिमांड आप देखिए शेयर की, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी यहाँ पर 53.59 है। प्रीमियम कितना ज़्यादा यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे किए जा रहे हैं और अभी भी यहाँ पर इस शेयर में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। अगर हम देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 29.27% का यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें देखने को मिल रहा है। शानदार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की तो आप देख सकते हैं 22.41% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी डिविडेंड भी दे रही है यहाँ पर अपने इन्वेस्टर को 0.19% का। हालांकि डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड यहाँ पर दे रही है, अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। डिविडेंड पे आउट यहाँ पर 18.21% का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 4.12 रुपीस का अर्निंग पर शेयर कंपनी दे रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग जैसा ही पिछली स्क्रीन पर देखा 78.30% है, जिसमें प्लेजिंग परसेंटेज जो है वो कंप्लीटली जीरो है। पिछले क्वार्टर के मुताबिक
अगर हम देखें कंपैरिजन करें तो -2% की यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग में चेंजिंग देखने को मिली है, और इस तरह से एन प्लस प्रमोटर होल्डिंग 78.30% देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 226.29 करोड़ रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ फॉर थ्री ईयर्स की बात करें तो 44.78% की सेल्स ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और यदि बात करें फॉर फाइव ईयर्स तो इट वॉज 29.29%। अगर हम देखें प्रॉफिट ग्रोथ तो फॉर थ्री ईयर्स इट इज़ 54.29% एंड फॉर फाइव ईयर्स इट इज़ 45.49%। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ये कंपनी यहाँ पर दिखा रही है फॉर थ्री ईयर्स एंड फाइव ईयर्स। यहाँ पर हमें वैल्यूएशन पर इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहे हैं एज़ पर बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस शेयर का प्राइस हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट यदि हम देखें तो इन्वेस्टर्स इस शेयर में इन्वेस्ट करने में काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इस शेयर का जो पी है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि फंडामेंटल पैरामीटर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करें यहाँ पर चार्ट पैटर्न की तो आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न में यहाँ पर हमें लगभग मार्च 2020 में एक गिरावट देखने को मिली है, और उसके बाद कंटिन्यू इस कंपनी के प्राइस में हमें कंटिन्यू बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और अभी भी हमें इस शेयर में बुलिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। अगर बात करें प्रोज एंड कॉन्स की तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, कंपनी में कोई भी डेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ लगभग 0.03 मात्र डेट टू इक्विटी शो कर रहा है। इस तरह से कंपनी में डेट बिल्कुल नहीं है और कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है प्रॉफिट ग्रोथ बुक कर रही है, 45.49% CAGR का फॉर लास्ट 5 ईयर्स कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है। कंपनी काफ़ी अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट यहाँ मेंटेन कर रही है 18.62% का, मतलब कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अपने प्रॉफिट का हिस्सा समय समय पर यहाँ पर दे भी रही है। कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया वैल्यूएशन के साथ यहाँ इशू है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है एज़ पर बुक वैल्यू एंड एज पर PE एज वेल। अगर हम बात करें इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की तो आप देख सकते हैं जून 2019 में 625 करोड़ रुपीज़ की यहाँ सेल्स थी, जो कि जून 2020 में 646 करोड़ रुपीज़ की सेल्स हमें देखने को मिल रही है। तो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में जो सेल्स थी उससे हम कंपेयर करें लेटेस्ट ईयर के सेल्स ग्रोथ के फिगर को तो देखिए यहाँ 646 करोड़ रुपीज़ की सेल्स ग्रोथ, यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यदि देखें तो जून 2019 में 85 करोड़ रुपीज़ था, जो बढ़कर 118 करोड़ रुपीज़ देखने को मिल रहा है जून 2020 में। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर जहाँ पर जून 2019 में 54 करोड़ रुपीज़ था, दिसंबर 19 में 1 करोड़ रुपीज़ ओनली था, मार्च 2020 में 23 करोड़ रुपीज़ था, वो जून 2020 में 79 करोड़ रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाई ओ वाई परफॉर्मेंस तो आप देख सकते हैं कंपनी के सेल्स में हमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। आप देख सकते हैं एक कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर कंपनी यहाँ हर साल यहाँ दिखा रही है अपनी सेल्स ग्रोथ में, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। मार्च 2019 को 2223 करोड़ रुपीज़ की सेल्स थी, वहीं अगर हम बात करें मार्च 2020 की तो 2423 करोड़ रुपीज़ की सेल्स हमें देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यदि हम यहाँ पर देखें तो जहाँ मार्च 2019 में 291 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वहीं मार्च 2020 में 334 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। इनिशियल लेवल पर अगर हम देखें तो मार्च 2011 और 12 में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें माइनस में भी शो हुआ है। मार्च 2013 के बाद से यहाँ पर हमें पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें शो होना शुरू हुआ है, और उसके बाद यदि हम देखें तो कंटिन्यू यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है और बहुत तेज़ी से यहाँ पर ग्रोथ कर रही है ये कंपनी। अगर हम बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी शुरुआती दौर में हमें यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिला, लेकिन मार्च 2013 में यहाँ पर कंपनी ने 13 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट बुक किया, जो कि मार्च 2014 में 33 करोड़ रुपीज़ का हुआ, और इस तरह से कंटिन्यू अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्च 2019 में 167 करोड़ रुपीज़ की नेट प्रॉफिट थी, मार्च 2018 में 145 करोड़ रुपीज़ की नेट प्रॉफिट थी, और इस तरह से आप देखें तो मार्च 2018 से मार्च 2019 में भी यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला, जो कि मार्च 2020 में 206 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी शानदार यहाँ पर ग्रोथ कंपनी कर रही है। 4.12 का अर्निंग पर शेयर यहाँ पर कंपनी ने बुक किया है एज ऑन मार्च 2020। डिविडेंड पे आउट कंपनी का शानदार है, मार्च 2019 में ये 38% था और ये कम होकर मार्च 2020 में
अगर हम देखें तो 18% हमें देखने को मिल रहा है, हालांकि कम है, लेकिन इंस्पायर्ड ऑफ दैट अभी भी कंपनी काफी हेल्दी डिविडेंड पे आउट अपने इन्वेस्टर्स को पे कर रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिल्यूजन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं शेयर कैपिटल में, और अगर रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी हमें कंटिन्यू यहाँ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। स्पेशली मार्च 2016 के बाद से यदि हम देखें तो कंटिन्यू कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ता जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी का जो रिजर्व होता है वो एक सेपरेट फंड होता है जो कि कंपनी किसी भी प्रकार की कंटिजेंसीज में यूज कर सकती है, और इस फंड का बनना बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है कंपनी के लिए और कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल में शो होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यू मार्च 2016 के बाद से हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्च 2019 में 536 करोड़ रुपीज़ था, जो कि मार्च 2020 में 710 करोड़ रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें बोरोइंग्स की तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं है, लगभग यहाँ पर 36 करोड़ रुपीज़ की बोरोइंग्स देखने को मिल रही है मार्च 2020 में, जो कि लगभग ना के बराबर है। हालांकि ये बोरोइंग्स मार्च 2019 में बोरोइंग्स थी जो कि 20 करोड़ रुपीज़ थी, उससे अधिक है। बट यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्च 2020 में जो बोरोइंग्स है वो 36 करोड़ रुपीज़ की है, जो कि लगभग ना के मुताबिक हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के कैश फ्लोज की तो आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का शानदार है, यहाँ पर 222 करोड़ रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है मार्च 2020 को, वहीं मार्च 2019 को ये 75 करोड़ रुपीज़ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 29% का हमें देखने को मिल रहा है एज ऑन मार्च 2020, जो कि कम हुआ है एज कम्पेयर टू मार्च 2019 जो कि 30% था, और मार्च 2018 में 29% था। तो यहाँ पर लगभग मार्च 2018 के फिगर तक ही ये पहुंच पाया है, 29% हमें देखने को मिल रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हालांकि यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 78.30% शेयर हमें प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप के पास देखने को मिल रहे थे, जो कि मार्च 2020 में 80.30 थे, अभी ये कम हो गए हैं और 78.30% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप के पास हमें देखने को मिल रही है। पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो 0.76% हमें देखने को मिल रही है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो 4.96% देखने को मिल रही है एज ऑन जून 2020, जो कि लास्ट क्वार्टर में 4.60 थी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है स्लाइटली यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जो कि 4.96 हो चुकी है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पर 15.98% हमें देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम बात करें यहाँ पर वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन इज स्लाइटली हैवी, वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव दिख रहा है। तो उस वजह से मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यदि हमें इस शेयर के प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है तो आप इसे स्मॉल क्वांटिटी में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बट चूँकि शेयर का जो प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस के लगभग करीब में है, तो मैं इतने हाई वैल्यूएशन पर बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में खरीदने के लिए असिस्ट नहीं करूँगा। स्मॉल क्वांटिटी में आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट जब भी मार्केट में गिरावट आए और पर्टिकुलरली शेयर में जब भी आपको गिरावट देखने को मिले तो आप इस शेयर को एक्युमुलेट कर सकते हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अधिक होने के बावजूद यदि आप इसे इस स्थिति में भी परचेज करते हैं तो फॉर दी लॉन्ग टर्म ये शेयर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है, बिकॉज फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्मॉल क्वांटिटी में ही इस शेयर में खरीदारी करें। दोस्तों, आपको यदि किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में, तो आप अपना एनालिसिस जरूर करें और यदि हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर मदद लें। आप क्या सोचते हैं इस शेयर के विषय में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी के फैमिली का हिस्सा बने।